मैं शुरू से ही टीचर तो बनना चाहता ही था कि मतलब मैं चाहता था कि टीचर बन के भी ग्रामीण इलाकों में जो शिक्षा से वंचित हैं, जो बिल्कुल तबका मतलब गरीब है या जिनमें मतलब माँ बाप है जो मतलब उच्च शिक्षण में या प्राइवेट स्कूल पढ़ा नहीं सकते, तो मैं चाहता था कि मैं जाके वहाँ पर मैं और उनको मतलब पढ़ाऊँ, उनको सही राह दिखाऊँ। ये शुरू से मैं सपना था मेरा। मैं सर पहले तो बच्चों के अनुसार ही चलता हूँ मैं मेरी कोई चीज़ थोपता नहीं हूँ। मैं बच्चों का जो रुचि है, बच्चे किस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे जिसमें रुचि दे रहे हैं उनको जोर रूप से करता नहीं कभी मैं, ठीक है ना। बच्चे जो चीज़ समझ रहे हैं उनको मैं कंटिन्यू चलता रहता हूँ। जहाँ उनको बच्चों को रुचि नहीं आ रही है तो थोड़ा उनको अलग ही कुछ डाइवर्ट कर लेता हूँ, उस चीज़ को हटा दूसरे टॉपिक आ जाता हूँ या फिर दूसरे कोई भी टीचिंग एड, ऐसा नहीं कि मैं क्लास में पढ़ाऊँगा, दूसरी एक्टिविटी के लिए ग्राउंड ले जाऊंगा मैं या कोई मॉडल बना दूंगा मैं या किसी संग्रह के लिए ले जाऊंगा मैं। अनुशासन तो सर रहना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कि टॉपिक बच्चे समझ रहे हैं रुचि ले रहे हैं तो वहाँ मैं इतना नहीं देता। मेरे बच्चे मेरे साथ है, जो चीज़ मैं करा रहा हूँ उसमें रुचि ले रहे हैं, खुद कर रहे हैं, वो मेरे लिए मायने रखता है। बाकी ऐसे मोस्टली बच्चे ऐसे मस्ती नहीं करते, मैं पढ़ा रहा हूँ या बाहर कुछ एक्टिव कर रहा हूँ ना तो पूरे बच्चे संलग्न होकर फिर मेरे से जुड़ते हैं, ऐसे दोस्तों की बात आती नहीं कभी। टीचर्स ऑफ इंडिया जो पोर्टल है वो देखा है आपने? हाँ, एक दो बार गया था उस पर मैं। अच्छा, क्या आपको कैसा लगा वो? मैं ज़्यादा डीप जा पाया लेकिन मुझे वो अच्छा प्रयास लगा। मतलब उसको आप देख पाते हैं, यहाँ पे एक्सेस करने में संभव होता है? हाँ, मैं मोबाइल देखता हूँ, मोबाइल से मेरे। अच्छा, मोबाइल से देखते हैं आप। आपको लगता है कि इसमें वो आपके लिए और ज़्यादा मददगार हो सकता है? मददगार तो ये हो सकता है जैसे मतलब कुछ आइडियाज़, आप ये इंटरव्यू ले रहे हो ना, इस टाइप की और किसी इंटरव्यू ना वो आप उसको डालकर डाउनलोड करते हो, आप तो उसको हम देखें, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं मतलब, या और भी कुछ पढ़ाने के सरल तरीके हैं जो नए तरीके हैं जो अपने इंडियन होने चाहिए, विदेशी तो शायद नहीं बैठेंगे। अच्छा। जो इंडियन अपने परिवेश के होने चाहिए, जो अपना बच्चा समझ सकता है, जो अपने परिचित में ज़्यादा मतलब प्रभावी हो, लोकलिटी वाले हो, तो वो मतलब ठीक रहेगा ये, ताकि हमको एक्स्ट्रा आइडिया मिलेगा। कई बार जैसे अपन आकाशीय पिंड के बारे में बता रहे हैं, जैसे ग्रह पढ़ा रहे हैं अपन लोग जी, तो नेट जाऊंगा पर्टिकुलर किताब में दे रखा कि बुध ग्रह है या बृहस्पति जो भी है दे दिया, बट उसका क्या कैसा रंग है, कैसा आकाश में उसकी स्थिति है, उसको दिखाने के लिए नेट जाता हूँ और पर्टिकुलर उस ग्रह के बारे में जाके और बच्चों को जिसकी बहुत सारे फोटो, गैलेक्सी के फोटो हुए, सन के हुए, अपने पूरे आकाश गंगा के हुए फोटो पूरे बताता हूँ प्रत्यक्ष में, या समंदर के अंदर की डीप में कैसे जानवर है, कैसे पौधे हैं उसके बारे में पढ़ा लूँगा मैं, या पर्टिकुलर कोई स्थान है तो उसके बारे में बता दें, मैं नेट का इस्तेमाल पूरा करता हूँ। अच्छा, उनसे घर पर संपर्क करते हैं या कभी SDMC या SMC मीटिंग होती है ना, उसमें तो मिलते ही मिलते हैं हम। जो बच्चा कभी स्कूल नहीं आ रहा है, एक या दो दिन मिस हो गया, तो हम सीधे उसके जाते हैं कि क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा, बीमार है या कोई बाहर गया हुआ है और कोई कारण है, तो कारण जाने को उस टाइम जाते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स से मिल लेते हैं। कई बार स्कूल के अंदर भी बुलाते हैं, हम खुद जाते हैं गाँव के अंदर भी, कई बार उनको सर्वे करने पड़ते हैं अलग अलग, तब जाते हैं तो मतलब सर्वे के अलावा उनको पढ़ाए बच्चे के संबंध में उसका प्रोग्रेस या उसका वीक पॉइंट वो जरूर बताते हैं हम लोग, उनसे भी कहते हैं कि आप स्कूल आओ और बच्चों के बारे में जानिए, आप हमसे मिलो कंटिन्यू, बच्चों को पढ़ने का बोलो, होमवर्क करने का बोलो, इसके बारे में हम जरूर बोलते हैं।